आधी रात को निकल के करी हमने अपने सफ़र की शुरुआत। और रात को निकलने का फ़ायदा ये रहता है कि आपको ट्रैफिक बहुत कम मिलता है और आपकी ड्राइविंग जो है बहुत स्मूथ हो जाती है। रात को निकलने का एक और रीज़न ये भी था कि हमें गांव से मम्मी को लेना था और उसके बाद हम लोग निकलने वाले थे मुक्तेश्वर के लिए। मम्मी को हम लोग ले चुके हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं मुक्तेश्वर की तरफ। और इस सफ़र में हमने रात को, दिन में, हाईवे पे, पहाड़ों में, हर तरीके के रास्तों पर गाड़ी चला ली। और इसको चलाने में जो मज़ा आया ना, आई जस्ट लव ड्राइविंग और नैनो इज़ माई फेवरेट। इसी के साथ हम लोग कर चुके हैं पहाड़ों में एंटर। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल विद विराज की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग जा रहे हैं नैनीताल। नैनीताल के आगे हमारा प्लान है मुक्तेश्वर जाने का। नैनीताल तो इन बिटवीन पड़ गया, इसलिए हम जा रहे हैं क्योंकि मम्मी लोग को हमने घुमाया नहीं था। लास्ट टाइम हम दोनों ही गए थे, तो इस बार हमने दोनों मम्मियों को भी साथ में लिया है और इनको नैनीताल भी घुमाएंगे और मुक्तेश्वर भी घुमाएंगे। तो मेन प्लान है हमारा मुक्तेश्वर का, नैनीताल बीच में ऐड ऑन किया है हमने ताकि दोनों जगह कवर हो जाए और मम्मी लोग जो है दोनों जगहों को घूम लें। और रास्ता यहाँ का बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, एकदम जंगलों से घिरा हुआ प्लेन काली सड़क और नज़र ना लगे गड्ढे तो अभी तक नहीं मिले हैं। और बाकी आगे जैसा भी रहेगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो काफ़ी एक्साइटमेंट से भरपूर होगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके बताना आप लास्ट नैनीताल कब गए थे। नैनीताल हम लोग तो पहले आए हैं और काफ़ी अच्छी जगह लगी हमें। और कौन सा मंथ था लड्डू? फेब में गए थे हम, उस टाइम पे काफ़ी ठंड थी नैनीताल में। देखते हैं अब कैसा रहेगा, होपफुली अब भी अच्छी ठंड मिले। यार पहाड़ों में छोटी गाड़ी चलाने का ना एक अलग ही फायदा लगता है मेरे को, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपको आता है। तो अगर आप भी पहाड़ों में जाते हैं और आपके पास भी कोई छोटी गाड़ी है, छोटी हैचबैक है और आपको भी ऐसा लगता है कि छोटी गाड़ी पहाड़ों में चलाने का बहुत बेनिफिट रहता है, तो आप कमेंट करके बताना कि आप कौन सी गाड़ी से जाते हैं। मुझे तो यार प्लेन से ज़्यादा ना पहाड़ों पर गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इसीलिए मतलब जब भी हम ट्रैवल प्लान करते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं कि हम पहाड़ों की साइड जाएं। प्लेन पे क्या रहता ना, सीधे जा रहे हो यार, बस कुछ नहीं करने को, और इधर जो है जिग जैग इधर उधर, मतलब अलग ही एक मज़ा आ जाता है गाड़ी चलाने। तो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नैनीताल और हमें आगे में थोड़ा लेट हो गया था तो हमने फटाक से जो जगह मिली स्टे के लिए वो ली और निकल गए हम लोग मॉल रोड पे घूमने के लिए। तो ये जो मॉल रोड है यहाँ पे, मतलब लेफ्ट साइड में लेक है और राइट साइड में हमारा जो शॉप्स वगैरह हैं वो हैं। और आगे जाके लेफ्ट हैंड साइड पे एक और मॉल रोड है जो कि मतलब पटरी वाले जहाँ पे सेल करते हैं। तो गाइज नाउ इट्स डे टू एंड हमने प्लान किया है आज का कि हम नैना देवी टेम्पल जाएंगे और नैनी लेक बोटिंग करेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग निकल जाएंगे मुक्तेश्वर के लिए ताकि हम टाइमली वहाँ पे पहुँच जाएँ। और मतलब जैसा हमारे साथ नैनीताल में हुआ था कि हम थोड़ा लेट हो गए थे और स्टे के ऑप्शन मुश्किल से मिल रहे थे, तो हम नहीं चाहते कि मुक्तेश्वर में ऐसा कुछ हो। तो गाइस ये जो आप लोग लेफ्ट साइड में देख रहे हैं पार्किंग है, एक ही पार्किंग है और एक थोड़ा और आगे जाके पार्किंग है जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी, क्योंकि कल जब मैं गाड़ी खड़ी करने आया था ये वाली पार्किंग फुल हो चुकी थी तो मेरे को आगे जाके खड़ा करना पड़ा। और यहाँ पे 120 रुपीज़ पार्किंग का चार्जेस लगा हमारा। और अब हम लोग जा रहे हैं नैना देवी टेम्पल के लिए, गाड़ी में हमने रख दिया अपना सारा सामान। कहाँ बैठे थे? नाश्ता मत करो, नाश्ता मत करो।
सोचा क्यों ना केव गार्डन चला जाए, तो हम लोग आ गए हैं केव गार्डन में। ये भी नैनीताल में ही है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं केव्स, जिसके अंदर की मतलब यहाँ पे टाइगर केव है, पैंथर केव है, तो मतलब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि जानवर केव्स के अंदर कैसे रहते होंगे। तो वो भी हम लोग आपको दिखाएंगे इसके अंदर जाके कि कैसी ये केव्स होती हैं। और उसके बाद यहाँ पे साइकिलिंग है, मतलब कि रोप साइकिलिंग, जिसमें आप हवा में साइकिल चलाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। लड्डू ये भैया लोग को निकल जान दो ना पहले। हाँ उन्हें निकल जान दो। ऐसे ही है, हम लोग तो जा चुके हैं। शेर शेर सब बच गए। Thank you.
को अंदर आने का मन नहीं कर रहा है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मुक्तेश्वर और अब हम यहीं पे स्टे करेंगे और कल जो है मॉर्निंग में हमने प्लान किया है कि हम लोग मुक्तेश्वर टेंपल जाएंगे। ये गाइस यहां का शाम का कुछ नज़ारा ऐसा। घाटियां हैं, पहाड़ के पीछे अभी सनसेट हुआ है और यहीं पे हमने रूम्स लिए हैं। ये दो रूम्स हमने लिए हैं और ये बाहर कुछ सिटिंग के लिए एरिया है और यहीं पे अभी जो है हम लोग बोन फायर करने वाले हैं। नो ये हम बोन फायर नहीं करेंगे, हम तो करेंगे। और कुछ इस प्रकार से ये रूम है, यहाँ पे डबल बेड और बहुत अच्छी यहाँ पे विंडो लगी है जिससे व्यू आता है बाहर का। और ऐसे करके रूम है, ये सामने इधर वॉशरूम, उधर विंडो, एक इधर विंडो, वो वाली विंडो में जाली लगी हुई है तो थोड़ा सा इंटरप्ट कर देता है व्यू को, लेकिन इधर पूरा प्लेन ग्लास लगा हुआ और साफ ग्लास है, गंदा नहीं हो रखा, इसलिए बहुत अच्छा व्यू आ रहा है इधर पे। और इधर नीचे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, नीचे इधर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और आई गेस ये चार कमरे हैं ना, दो उस साइड दो इस साइड और शायद उधर नीचे भी, नीचे साइड भी कमरे हैं, पांच छह कमरे हैं टोटल। और ये इन पहाड़ियों में रात के टाइम में लाइटें जलनी स्टार्ट हो गई हैं और ये यहाँ की लाइटें जलाते हुए लट्टू ने यहाँ की लाइटें जला दी। भाई आग लगवाई, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है ना, मतलब हाँ जब तक सूरज था तब तक बहुत सही था और सूरज के ढलते ही एकदम से बहुत ठंड हो गई। और इधर ये लाइटें भी लगा रखी हैं। मेरे को तो बड़ी पीसफुल सी जगह लगी है। हम अभी मार्केट में भी गए थे और मार्केट में जब हम वो देख रहे थे रूम्स वगैरह देख रहे थे तो हमें ऐसा फील हुआ कि एक्सपेंसिव ज़्यादा थे और उतनी ज़्यादा वर्थ नहीं थी, क्योंकि हमें थोड़ा सा भीड़ भाड़ सा अलग शांति में रहना अच्छा लगता है तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ रुक रहे हैं। और यहाँ पे मतलब आस पास कोई गेस्ट हाउस नहीं है, बस यही एक है और ये इधर से रोड जा रही है, ऑन रोड ही पड़ाता है ये जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है ना, इससे बाहर निकलते ही सामने रोड है। और इधर आगे जाके मुक्तेश्वर टेम्पल है जहाँ हम कल जाने वाले हैं, कल सुबह सुबह हम जाएंगे मुक्तेश्वर टेंपल। ये अभी चल रहा है बोन फायर, सब लोग हाथ सेक रहे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है अचानक से। और मम्मी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। कुछ कहना चाहोगी? बहुत अच्छा लगा यहाँ का, तो ये देख कर तो बड़ा ही अच्छा लगा। मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर आप लोग मुक्तेश्वर आते हो और इस जगह पे स्टे करते हो तो आई गेस ये वाला नज़ारा आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो गाइस सुबह का ब्रेकफास्ट करके हम लोग पहुंच गए मुक्तेश्वर टेंपल और आज 11 दिसंबर है, यही हमने सोचा था कि हम 11 तारीख को मुक्तेश्वर टेंपल में जो है भगवान शिव जी के दर्शन करेंगे क्योंकि 11 दिसंबर की हम लोगों की मैरिज एनिवर्सरी है, तो इसीलिए हम लोग मुक्तेश्वर टेम्पल दर्शन के लिए आए थे। सब लोग हमसे पूछते रहते हैं तुम लोग पहाड़ों में क्यों जाते हो, पहाड़ों में क्यों जाते हो यार, पहाड़ों में जाने के ना
काफ़ी सारे रीज़न है, जिसमें से एक तो मैंने आपको बताया कि मेरे को पहाड़ों में गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है, कि zigzag हम लोग गाड़ी चला लेते हैं। दूसरा रीज़न है कि मतलब प्लेन एरिया में जाकर मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ये चीज़ फील कर पाऊँगा कि हम लोग नेचर से घिरे हुए हैं और ये नदियाँ, ये झरने, ये ग्रीनरी, ये एनवायरनमेंट, ये फ्रेशनेस ना, मतलब मेरे को लगता नहीं कि प्लेन एरिया में कहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा कोई ज़्यादा फ़ोटोज़ का शौक नहीं है कि हम लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं या हम लोग कहीं जा रहे हैं तो वहाँ का मतलब मेमोरी के लिए मैं वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ हमें शौक़ नहीं है फ़ोटोग्राफी का कि हम अलग अलग जगह जाके फ़ोटो खिंचवाएँ। हमें बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम एक नेचर के बीच में जाके रहें ना, पीसफुली वो चीज़ को फील करें, तो इसीलिए हम लोग पहाड़ों में ज़्यादा आना प्रेफर करते हैं। अगर आप लोग आते हैं मुक्तेश्वर टेंपल तो यहीं पे पास में चौली की जाली पड़ती है, वहाँ जाना आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वहाँ से जो व्यूज आते हैं ना और जो नेचर के बीच में आपको वहाँ रह के फील होगा, वो एक अल्टीमेट होगा, नेक्स्ट लेवल होगा, तो वहाँ जरूर जाइएगा। देख रहे हैं।
टेम्पल के बाद चौली की जाली हम लोग गए थे और उसके बाद अब हम लोग आ चुके हैं भालूगढ़ वाटरफॉल में। ये भी मुक्तेश्वर टेम्पल के पास ही है, वहाँ से तकरीबन 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसका। वाटरफॉल पे जाने के लिए आपको पे करना पड़ता है 50 रुपीज पर पर्सन। तो गाइस पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के बाद आपको वाटरफॉल तक जाने के लिए 1200 मीटर का जो है डिस्टेंस वॉक करके कवर करना पड़ता है, और रास्ते में जगह जगह ना वो भी लगा हुआ है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। लाइक हर कुछ मीटर के बाद जो है 100 मीटर के बाद बोर्ड लगा हुआ है कि आपको इतना मीटर और चलना है, और जो वॉक करके आप डिस्टेंस कवर करेंगे वो काफ़ी मतलब सुंदर है बहुत, और आपको बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलते हैं। जगह जगह आपको बीच में पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, आपको चाय कॉफ़ी मैगी कुछ भी आपको लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको जिप लाइनिंग भी देखने को मिल जाता है जिसका आपको चार्ज पड़ता है 300 पर पर्सन।